कल अडानी पोर्ट्स के भी दूसरी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं, क्या है अनुमान बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं अंकिता। अंकिता, किस तरह के रह सकते हैं अनुमान? अदानी इंडिया का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पोर्ट और लॉजिस्टिक कंपनी के कल नंबर्स बाहर आने वाले हैं, लेकिन क्या एक्सपेक्टेशन है स्ट्रीट की इनके क्वार्टरली नंबर से, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो रेवेन्यू है वो बढ़ सकता है 32% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, नेट प्रॉफिट बाय 37% ईयर ऑन ईयर एंड एबिटा बाय 22% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लेकिन आप इन नंबर्स को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इतना कंपेयर नहीं कर सकते हैं, इसका रीज़न ये है क्योंकि फाइनेंशियल्स में जो गंगावरम पोर्ट का कंसोलिडेशन है वो इंक्लूडेड है। लेकिन अगर आप ऑपरेशनल नंबर्स को देखें तो पोर्ट रियलाइजेशन 3.5% अप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड वॉल्यूम्स का भी ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 15% अप ईयर ऑन ईयर बेसिस। नाउ सिक्वेंशली जो नंबर्स हैं वो इम्पैक्ट हो सकते हैं, उसका रीज़न ये है कि जो एक्सटेंडेड मानसूनस हैं वो एडवर्सली इम्पैक्ट कर सकते हैं आपके कोल की डिमांड एंड कोल की इम्पोर्ट्स को, एंड ऑल्सो जो हायर ड्यूटीज़ गवर्नमेंट ने लगाई थी राइस एक्सपोर्ट पे बिगनिंग ऑफ सेप्टेम्बर में, वो सिक्वेंशल नंबर्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिन्हें जिनको आपको वॉचआउट करना है, जिन पे आपको नज़र रखनी है, वो ये है कि जो एनुअलाइज्ड वॉल्यूम है वो एक्सपेक्टेड है 355 MMT पे विद गाइडेंस रेंज ऑफ 350 to 360 MMT फॉर FY23। गाइडेंस ऑन द डेवलपमेंट जो पोर्ट है तेजपुर का वेस्ट बंगाल में जो डीप सी पोर्ट डेवलप हो रहा है उस पर नज़र रखिएगा। ऑल्सो कंपनी अभी भी फ्रंट रनर है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए, तो वो चीज़ पे भी हमारा ध्यान रहेगा। और फाइनली जो कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है न्यू रेल लैंड पॉलिसी के लिए, तो उसने एक रास्ता खोल दिया है गवर्नमेंट के स्टेक डाइवेस्टमेंट के लिए, तो उस पे भी नज़र रखेगा।